ये वाक्य एक साहब बयान करते हैं। वो कहते हैं कि लाहौर के एक साहब को जानता हूँ, ये बदसूरती में मुझसे भी चंद हाथ आगे हैं। काला रंग, मुंह पर चीचक के दाग, छोटा सा कद और कमर पर कब, ये चारों तरफ से बदसूरत हैं। ये अमीर भी नहीं, बमुश्किल गुजारा होता, तालीम भी ज़्यादा नहीं, लेकिन इनकी बेगम बे इंतहा खूबसूरत, नफीस, आला तालीम याफ्ता हैं। ये मेडिकल डॉक्टर हैं और ये अपने ख़ानदान से बे इंतहा मोहब्बत करती हैं। ये इसका बच्चों की तरह भी ख्याल रखती है। मैं इस अजीब व गरीब कॉम्बिनेशन पर बड़ा हैरान था। मैंने एक दिन इंसाफ से नुस्खा है कीमिया पूछ ही लिया। ये मुझे अपनी बेगम के पास ले गए और मेरा सवाल इनके सामने रख दिया। बेगम ने कहका लगाया और बोली, औरत को मर्द से तीन चीज़ें दरकार होती हैं, केयर, मोहब्बत और इज्जत, और ये शख्स इन तीनों में कमाल का है। मुझे उन्होंने जितनी केयर, मोहब्बत और इज्जत दी, वो मुझे मेरे भाइयों, मेरी माँ, मेरे वालिद से भी ना मिली। चुनाचा मैंने हर वक्त इस पर नसार रहती हूँ। मैंने हैरत से इस साहब को देखा और इनसे पूछा, आपने ये नुस्खा कहाँ से सीखा? ये मुस्कराए और बोले, दुनिया का हर मर्द हूर को अपनी बीवी देखना चाहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है, हूरें शैतानों को नहीं मिलती, इंसानों को मिलती हैं। आप खुद को इंसान बना लें, आपको दुनिया में भी हूरें मिल जाएंगी और आप आसमानों पर भी हूरों के दरमियान ही रहेंगे। ये खामोश हो गया। मैंने इससे पूछा, और इंसान कौन होते हैं? इसने कहका लगाकर जवाब दिया, फरिश्ते अल्लाह ताला की मुकद्दस तरीन मखलूक है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस मुकद्दस तरीन मखलूक से इंसान को सजदा कराया। क्यों? क्योंकि इंसान के पास इंसानियत का जौहर है, वो ये जौहर है जिससे फरिश्ते भी महरूम हैं। हम इंसान अगर ज़िंदगी में एक बार इंसान बन जाएँ तो हमें हूरें भी मिल जाएंगी और हमें फरिश्ते भी दोबारा सजदे करेंगे। मैंने अपने वजूद में छुपी इंसानियत को जगा लिया था, मैंने इंसान बनने का अमल शुरू कर दिया था। चुनांचे अल्लाह ताला ने मेरे घर इस हूर की रोशनी से भर दिया। मैं चैलेंज करता हूँ, दुनिया का कोई शख्स अपने अंदर इंसानियत जगा कर देखे। मेरा घर इस हूर की रोशनी से जिस तरह भर गया, हर एक का घर उस ही रोशनी से भर जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है, और अगर मर्द ये चीज़ सीख ले और ये जान ले कि एक औरत को उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, उसकी केयर, मोहब्बत और इज़्ज़त चाहिए, और इज़्ज़त से बढ़ के कुछ भी नहीं, तो वह उसके घर को जन्नत बना सकती है। जैसे हदीस का मफहूम है, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों यानी बशमूल बीवी के लिए बेहतरीन हो,